हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धीमान राजेश धीमान यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज हम डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और स्क्वायर रूट के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ रूट एक्स। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट की डिफरेंशिएशन, जो स्क्वायर रूट है उसकी डिफरेंशिएशन होती है 1/2, फिर जो फंक्शन बाकी बचता है उसकी पावर हम हाफ बचेगा यहाँ पर, उसकी पावर कम कर लेंगे एक, और उसके बाद जो रूट को छोड़ के, यहाँ पर रूट को अगर छोड़ देंगे तो ये बच जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन मतलब 1/2 ई पावर अंडर रूट एक्स, फिर यहाँ से -1/2 पावर बचेगी इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होती है, इसका मतलब ई पावर अंडर रूट एक्स, लेकिन इसके बाद जो बचेगा उसकी डिफरेंशिएशन, अभी हमने ई की कर ली तो ई को हटा के अंडर रूट एक्स बचेगा, तो अंडर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन लिखेंगे बाद में। तो लास्ट स्टेप में 1/2 ये हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ई पावर अंडर रूट एक्स, फिर सारे का अंडर रूट, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो इसकी -1 पावर डिनोमिनेटर में आ जाके प्लस हो जाएगी, फिर ई पावर अंडर रूट एक्स। अब इसकी डेरिवेटिव, अब पावर को हटाएंगे तो पावर ऐसे हटेगी, और फिर एक पावर कम होके तो ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और फिर जब अंडर रूट को हटा देंगे तो हमारे पास एक्स बचेगा, उसकी डेरिवेटिव एक। अब हम इनकी डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स कैसे करते हैं, इसका मतलब रूट, तो 1/2 बाहर, अब इसकी पावर एक कम करके तो ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी ऐसे। अब हमारी रूट की हो गई है तो रूट को हम हटा देंगे, तो बाकी जो बचेगा उसकी डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल बचा, तो एक्सपोनेंशियल की तो वही डिफरेंशिएशन होती है, अब एक्सपोनेंशियल की वही होती है तो एक्सपोनेंशियल को भी हटा दिया, अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट की कैसे होती है, 1/2 डिनोमिनेटर में इसकी एक पावर कम करके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब अंडर रूट भी हट गया हमारे पास, तो हमारे पास सिर्फ बच गया एक्स, और एक्स की डिफरेंशिएशन एक। अभी हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये बचेगा 1/4, और ये पावर इकट्ठी करके इसको, तो ये और ये पावर इकट्ठी करके क्या आ जाएगा हमारे पास, ये अंडर रूट ख़त्म होकर इसके साथ डिनोमिनेटर में लग जाएगा, तो ई अंडर रूट एक्स, और ये ऐसे, और साथ में यहाँ पर ये अंडर रूट एक्स, और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस टाइप के फंक्शन की डिफरेंशिएशन के लिए सबसे बाहर से शुरू करना है, तो साइन के आगे जो भी फंक्शन है तो साइन की डिफरेंशिएशन होती है कोस, उसके बाद जो भी है उसको वैसे ही लिख देना है, टेन इनवर्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स ऐसे। अब हमारी साइन की डिफरेंशिएशन हो गई तो हम साइन को हटा देते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, अब टेन इनवर्स इंटू, टेन इनवर्स की डिफरेंशिएशन हमें पता है 1/1 प्लस एक्स, यहाँ पर ये है तो एक्स की जगह हम लिख देंगे ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब टेन इनवर्स की भी हो गई तो हम टेन इनवर्स को भी हटा देते हैं, फिर इंटू एक्सपोनेंशियल की माइनस एक्स, तो एक्सपोनेंशियल की होगी ई पावर माइनस एक्स ही, एक्सपोनेंशियल की वही रहती है माइनस एक्स। अब एक्सपोनेंशियल की भी होगी तो एक्सपोनेंशियल को भी हटा देते हैं, अब हमारे पास बचेगा माइनस एक्स, और उसकी होगी माइनस एक, और उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर लें और हमारे पास आंसर बच जाएगा। और माइनस इधर, और यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं, और ये आ गए सारे, तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन सबसे बाहर है हमारे पास एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल की वही डिफरेंशिएशन, तो हमें पहले स्टेप में वही लिख देना है जो फंक्शन है हमारे पास, इनटू अब एक्सपोनेंशियल को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स, तो साइन इनवर्स की होती है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है अंडर रूट एक्स, तो 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर इसका रूट,
अब हमारा साइन इनवर्स की भी हो गई, तो साइन इनवर्स को भी हटा देते हैं। अब बचा अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स की सबसे पहले अंडर रूट की, तो अंडर रूट को हटाने के लिए हमें 1/2 अंडर रूट एक्स, और फिर अंडर रूट जब हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ एक्स, और उसकी होती है 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 - x बचेगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस टाइप के फंक्शन की डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले बाहर से शुरू करना है, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स की क्या होती है डिफरेंशिएशन, 1/(1 - यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर की जगह ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ अंडर रूट एक्स, इसका स्क्वेयर बन जाएगा, फिर इनटू, अब साइन इनवर्स की हो गई तो साइन इनवर्स को हटा देंगे, उसके बाद बचेगी एक्सपोनेंशियल की, तो एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होती है। अब एक्सपोनेंशियल की भी हो गई तो एक्सपोनेंशियल को भी हटा देंगे, अब बचेगी अंडर रूट की, तो अंडर रूट के लिए 1/2 और एक्स डिनोमिनेटर में ऐसे। अब अंडर रूट की भी हो गई तो अंडर रूट के बाद बचा सिर्फ एक्स, और उसकी होती है 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके आंसर लिख सकते हैं, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 को हम यहाँ लेंगे, अंडर रूट एक्स को यहाँ लिख दिया, ये इधर लिख दिया, और अंडर रूट एक्स और 2 कैंसिल हो गए, 1 - x, और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था आज का वीडियो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और रूट के मिक्स क्वेश्चन के ऊपर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें इसी तरह की मैथमेटिक्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।